हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। ये हमारा सेशन 68th बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर का सेशन है उसे हम रन कर रहे हैं, और इसमें हम फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर, जैसा कि बीपीएससी का नेचर है, उसके पीटी क्वेश्चंस पूछे जाने के, उसी के अकॉर्डिंग हम करंट अफेयर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब चूंकि आप जान चुके हैं कि अब आपके प्री टेस्ट में जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें भी 1/4 नेगेटिव हो गया है, इसलिए आपको बहुत अधिक फैक्चुअली करेक्ट होने की जरूरत है। पहले भी जरूरत थी लेकिन अब यह जरूरत और अधिक बढ़ गई है, इसलिए ये सेशन हम रन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है, पहला जो आपका करंट अफेयर है जो बिहार से रिलेटेड है, बिहार फर्स्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट रबर डैम गयाजी डैम, जो कि अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ है 8th of September 2022, इसका इनॉग्रेशन हुआ है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो कि फल्गु नदी पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर हम बात करें इस डैम के बारे में, तो इसे बनाने में कुल 312 करोड़ रुपए की लागत लाई है, 312 करोड़ का लागत आया है। और यह जो डैम है आपका गयाजी डैम, ये 3 मीटर हाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, और जो इसका लेंथ है वह 411 मीटर है, 411 मीटर इसका लेंथ है इस डैम का, जिसे रिसेंटली अभी यह इनॉग्रेट किया गया है। यह बिहार का पहला रबर डैम है, याद रखिए, बिहार का पहला और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रबर डैम है जो बिल्ड किया गया है। और इनॉग्रेशन डेट भी याद रखिएगा 8th September 2022। नेक्स्ट आवर न्यूज, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे जो हम टीचर्स डे मनाते हैं, उस दिन जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने टीचर्स को सम्मानित किया है। उसमें टोटल जो सम्मानित किया गया है 46 टीचर्स को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 2 टीचर्स जो है वो बिहार से थे। टोटल 46 टीचर को सम्मानित किया गया जिसमें से 2 टीचर बिहार के थे। जो पहले एक टीचर है सौरभ सुमन, एक टीचर है सौरभ सुमन, दूसरे निशी कुमारी है। जो सौरभ सुमन है वो सुपौल के गर्ल्स हाई स्कूल से बिलोंग करते हैं, जो ललित नारायण लक्ष्मी गर्ल्स हाई स्कूल है सुपौल में, वहां की ये टीचर है। और निशी कुमारी पटना में ही एक स्कूल है, महाविद्यालय है महादेव महाविद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, ये वहां के टीचर है। इन दोनों को सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट के द्वारा टीचर्स डे के ओकेजन पे। तो याद रखना है कि बिहार से कितने टीचर्स को सम्मानित किया गया है, 2 टीचर को, सौरभ सुमन एंड निशी कुमारी। अब बात करते हैं करेंटली 17th स्पीकर ऑफ बिहार विधानसभा, जो अभी बिहार विधानसभा के जो 17वें स्पीकर है वो अवध बिहारी चौधरी हैं। इससे पहले विजय कुमार सिन्हा थे, अभी रिसेंटली जो 17th स्पीकर है वो अवध बिहारी चौधरी है, जो आरजेडी के लीडर है फ्रॉम सिवान डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिसाइडेड टू रिवाइव डाकरा नाला पंप इरिगेशन प्रोजेक्ट। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने यह डिसीजन लिया है कि जो डाकरा नाला पंप प्रोजेक्ट है उसको फिर से रिवाइव किया जाए। ये जो प्रोजेक्ट है आपका 1979 और 80 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, बट ये पूरी तरीके से यह कंप्लीट नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट इसको फिर से रिवाइव करने की सोच रही है, ताकि उस एरिया में जो मुंगेर का रीजन है, यह डाकरा नाला जो प्रोजेक्ट है यह मुंगेर में है, गंगा नदी पे है, गंगा नदी पे, और इसे फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही है, ताकि उस क्षेत्र में इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा सके। फेमस फोक आर्टिस्ट पद्मश्री रामचंद्र मांझी, रिसेंटली रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया है, उन्हें पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ था, उन्हें 2002 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, उनका डेथ हुआ है। और वो किस लिए फेमस थे, तो बिहार में एक फेमस डांस होता है जिसे हम लोग लौंडा डांस बोला जाता है, इसमें एक पुरुष जो है वो महिला के गेटअप में आके डांस परफॉर्म करती है,
ये इसीलिए रामचंद्र मांझी फेमस थे। और ये जो रामचंद्र मांझी हैं आपके सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली बिहार में एक इंटरनल असेसमेंट किया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट का कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना वेल गवर्न्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो इस इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो किशनगंज है वह सबसे वेल गवर्न्ड डिस्ट्रिक्ट है। आफ्टर दैट सिवान सबसे जो लीस्ट गवर्न्ड डिस्ट्रिक्ट है वह जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है। पटना का स्थान इसमें 30th था और नालंदा का जो रैंक था वह 36th था। तो आप ये एटलीस्ट इतना याद रखना है कि बेस्ट गवर्न डिस्ट्रिक्ट कौन था इंटरनल असेसमेंट में, किशनगंज। सबसे लोएस्ट कौन था, जहानाबाद। कैपिटल सिटी का रैंक याद रखना है 30 एंड नालंदा 36। जो अदर बेस्ट गवर्निंग डिस्ट्रिक्ट जो शामिल थे उसमें है वेस्ट चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, बांका, कटिहार, सीतामढ़ी, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, जमुई, नवादा, भोजपुर आर द गुड परफॉर्मर्स। आपको इतना याद रखना है कि वेस्ट गवर्न डिस्ट्रिक्ट कौन है और लीस्ट गवर्न डिस्ट्रिक्ट कौन है, पटना का जो कैपिटल सिटी है उसका रैंक क्या है। नेक्स्ट इज इंद्र वज्र ऐप। अभी पिछले कुछ सालों में थंडर स्टॉर्म से, लाइटनिंग से बिहार में काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो डिजास्टर डिपार्टमेंट है बिहार का, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है बिहार का, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया ताकि अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके लोगों को। और इस ऐप का नाम दिया गया इंद्र वज्र ऐप टू प्रोवाइड अर्ली वार्निंग रिगार्डिंग थंडर स्टॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अलार्म। जैसे ही ऐसा मौसम होगा कि लगेगा कि लाइटनिंग आने वाली है या थंडर स्टॉर्म होने वाला है तो यह अलार्म क्रिएट करेगा ताकि लोगों को अर्ली इंफॉर्मेशन दिया जा सके, क्योंकि लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म से बिहार में कुछ सालों में काफी ज्यादा डेथ हुई थी। इसीलिए डिपार्टमेंट ने, डिजास्टर डिपार्टमेंट ने इंद्रवज ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ गरुड़ प्रेजेंट इन बिहार इज लोकेटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। जो एक ही ब्रीडिंग ग्राउंड है गरुड़ का जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में, ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर गरुड़ इज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है यह और भी चीजों के लिए फेमस है, जैसे कि इंडिया का फोर्थ और बिहार का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन भी इसी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। यह भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है इंडिया का फोर्थ और बिहार का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन। और बिहार का ओनली जो गरुड़ प्रेजेंटेशन है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, वो भी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ इको टूरिज्म साइट्स इन बिहार, कि बिहार में कितने अधिक इको टूरिज्म साइट्स हैं, कितने नंबर ऑफ इको टूरिज्म साइट्स है। तो करेंटली बिहार में 2 इको टूरिज्म साइट्स है। फर्स्ट वन इज वाल्मीकि नगर, एक जो है वो वाल्मीकि नगर एंड अनदर वन इज राजगीर। गवर्नमेंट ऑफ बिहार वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन है, ग्रीन स्पेस, ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। इसी के क्षेत्र में वो जो है इको टूरिज्म साइट्स को डेवलप कर रहे हैं। और प्रेजेंटली बिहार में 2 इको टूरिज्म साइट्स है, एक वाल्मीकि नगर जो आपका वेस्ट चंपारण में है और एक राजगीर है। अवर नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया वेयर हाउसिंग रिपोर्ट। रिसेंटली एक रिपोर्ट निकला है इंडिया वेयर हाउसिंग रिपोर्ट कि किस डिस्ट्रिक्ट का, कौन सा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट का वेयर हाउसिंग इंडेक्स कितना है, कितनी कैपेसिटी है, उसी का एक रिपोर्ट निकला है। तो इस इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2022 का रिपोर्ट है उसमें पटना को सेकेंड रैंक प्राप्त हुआ है। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में पटना को सेकेंड रैंक हासिल हुआ है, इसे आप ध्यान में रखें। तो इसी तरीके से हम बिहार से जुड़े करेंट अफेयर्स जो शॉर्ट करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप कंटिन्यू इसे बने रहें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और फैक्चुअली आप जो बिहार के करेंट अफेयर को लेकर चिंतित रहते थे वो आपका कंप्लीटली दूर हो जाएगा। हम नेशनल लेवल के भी करेंट अफेयर को कवर करेंगे, लेकिन फर्स्टली हम बिहार के करेंट अफेयर्स को जो साल भर में घटित हुए हैं उसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।